ठीक है, देखो पहले आपने ऐसे बनानी है, ऊपर से आपको अंगूठा भी लगाना होगा, गुलाई आपने ऐसे घुमानी है, देख लो एक एक बाल निकाल देना, वो गुलाई हो जाएगी आप। जो एक्स्ट्रा नीचे बाल होंगे हम लोग उसको ऐसे निकालते हैं, ठीक है। सोहला रिवान, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग ठीक हो। दोस्तों अगर आपको भी एल शेप में दाढ़ी बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, ये वाली वीडियो आपके लिए। अगर इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखूंगा तभी आपके दिमाग में पड़ेगी। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं भाई स्टेप बाय स्टेप इसको करते कैसे हैं, ठीक है। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं इसलिए मेरे को स्पेशल वीडियो बनाना पड़ा। अगर आप सीखना चाहते हैं इस वाली वीडियो को ना देख लेना भाई ध्यान से। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मेरे पास छोटी वाली ट्रिमर है, हम लोग नीचे कट लगाएंगे पहले, ठीक है। देखो कट आप कैंची के साथ भी लगा सकते हो, ट्रिमर के साथ भी लगा सकते हो, क्योंकि मैं अक्सर ट्रिमर के साथ ही लगाता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा ही ट्रिमर लगता है, ठीक है। देखो आपने ये करना आहा से हम लोग ने, देखो कई बंदे तो ऊपर लगवाते हैं, अपने मेरी च्वाइस होती है, ठीक है। हम लोग नीचे रखेंगे क्योंकि हमारे कस्टमर ने हमारे को बोला है, ठीक है। देखो इस साइड में भी हम लोगों ने ऐसे करना, ऊपर हल्का करवाएंगे, बालों को ऐसे झाड़ेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद जाके आपने ऐसे कट लगाना है। कट ये वाला आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, पूरा प्रॉपर तरीके से गुलाई में होना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे मैं दे रहा हूँ, मैं दोनों साइड पे देख रहा हूँ, मैं शीशे में भी देख रहा हूँ, ये मैं सोचना कि मैं नहीं देख रहा, मेरे को आगे से शीशे में भी देख रहा हूँ, मैं उसके हिसाब से मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो अगर आपने आहा पर रखनी है तो भाई आहा पर हल्का हल्का आप ऐसे निशान लगाओ ट्रिमर का, ठीक है। उतने पे आप ब्लेड लगा दो तो भाई नीचे कैसे हो जाएगी, ऊपर कैसे चल जाएगी, नीचे कैसे हो जाएगी, ना तो आपकी एलेट खराब होगी, ठीक है। पहले निशान लगा लो, उसके बाद जाके आपने ब्लेड लगाना, बहुत ईजी तरीका है यार। उसके बाद हल्का हल्का आप ऐसे निकाल सकते हो, अगर आहा से नहीं निकलता तो भाई ऐसे निकाल दो, इसको ऐसे घुमाओ, ठीक है। जी वाली चीज होगी इसको भी आज से पहले छोटे कर लो ना बाल, अगर आपको दिक्कत होती है उस वाली साइड पे भी सेम चीज आपने ऐसे करना। देखो ये चीज इनकी गुलाई में है, ठीक है। अब देखो इस वाली साइड पे आगे तो भाई इस वाली साइड पे भी आपने करना हल्का ऐसे कट लगाना है, दोनों साइड पे ना ऐसे मिला लिया करो। ये वाली जो चीज होती है अगर आपने यहाँ पर रखी है दाढ़ी, इसके साथ में आपने ऐसे मिला लेना, देखो दोनों साइड पे हम लोग ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। इस साइड में भी मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग ऐसे कट लगा देंगे, ठीक है। बाद में एडजस्टमेंट कर लेना उसको, अगर ऊपर नीचे हो रही तो भाई एडजस्टमेंट कर दो, हल्का साइड पे बाल होंगे, ठीक है। उसको आपने ऐसे निकाल देना, ज्यादा कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। देखो ऐसे करना, जो होट के आगे बाल होते होंगे, ठीक है, इसको आपने ये करना हल्का ऐसे निकालो ट्रिमर के साथ। गाइस आपको दिक्कत हो रही है तो भाई आप कैंची के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। देखो अब हम करेंगे नरम, उसके बाद सेट करेंगे, उसके बाद हम लोग को बाद में छोटी करेंगे, ठीक है। देखो गाइस नरम करने वाले मैंने क्रीम लगा ली, ठीक है, आपने भी लगा लेनी है, ठीक है। इससे क्या होता है हमारी दाढ़ी नरम हो जाती है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती, जब भी हम लोग ब्लेड चलाएंगे ना हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उतना आप ब्लेड को झटका मत मारा करो यार, झटका मारोगे तो भाई ब्लेड की धार खराब होती है। जितना मर्जी आप अच्छा यूज करो ब्लेड, ठीक है, तभी भी आपको प्रॉब्लम होगी। देखो ब्लेड को ना ज्यादा अंदर मत रखा करो, हल्का सा बाहर निकाला करो, हल्का सा, पर लेकिन उसको भी बड़े ध्यान से आपने चलाना है, ठीक है। अब देखो जो क्रीम लगी है ना, एक बंदे का मेरे को मैसेज आया था कि भाई का मेरे का कि यार भाई जब भी हम लोग ना यार नरम करने वाली क्रीम लगाते हैं तो भाई ये हाथ हमारे फिसलने लग जाते हैं। मैं उनको यही बात करना चाहता हूँ, देखो टिश्यू पेपर देखो हम भी लेते हैं भाई, आप यूज उसको करो, ठीक है। टिश्यू पेपर से पहले ऐसे साफ कर लो ना, ज्यादा टाइम रखना थोड़ी था हमारे को क्रीम, ठीक है। आप तो 5-5 मिनट रखते होंगे, कई बंदे के रखते होंगे, ठीक है। देखो अब अगर देखो हम लोग पहले खत पे ऐसे लगाते हैं, ठीक है, यहां पे ऐसे लगा के उसके बाद जेवल चीज होगी आपने ऐसे गुलाई घुमानी है, ठीक है। उसके बाद हल्का हल्का हम ऐसे पीछे लगाते हैं, पहले इसको अच्छी तरह से पहले कर लेंगे, उसके बाद जाके लाइन बनाएंगे, ठीक है। देखो पहले आपने ऐसे बनानी है, ऊपर से आपको अंगूठा भी लगाना होगा, ठीक है, ऐसे मांस खींचना होगा क्योंकि हम लोग अगर मांस ढीला पड़ जाएगा हमारा ब्लेड भी लग सकता है ना, इन चीजों को भी आपको ध्यान पे रख के काम करना होगा। देखो एक का हमारा बाल बहुत कीमती होता है, ठीक है, अगर हम लोग एक बाल निकालेंगे हमारी लाइन सीधी हो जाती है, कभी ये भी देख लेना आप, ठीक है, करके देखना। उसके बाद जीवन जो चीज होगी हम लोग ऐसे इसको मारा था, ठीक है, जो साइड पे बाल होंगे उसको हम लोग ऐसे करते हैं, हल्का हल्का मुछ पे लगाते हैं, जिनकी पतला नहीं करना, हल्का भारी रखनी, ठीक है। देखो ठीक है ऐसे हम लोग रखेंगे, उसके बाद हल्का हल्का पीछे लगा देंगे, उसके बाद जाके हल्का हल्का लगाना साइड पे, ठीक है। जो देखो एक्स्ट्रा बाल आते हैं ना, देखो जी वाले, ठीक है, बाद में सीजर के साथ उसको सेट कर देना, ठीक है, बाद में हम लोग कर देंगे। अब देखो ऊपर करवाएंगे हल्का, इसको हम लोग ने ऐसे पकड़ना है, मांस को खींचना है, ठीक है, दोनों साइड पे मांस को खींचने के बाद उसके बाद हल्का इस साइड में भी हम लोग लगाएंगे ऐसे कर, ठीक है। यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से चलाना, उस तरह तेजी नहीं करनी। अब देखो उसके बाद इस साइड में भी हम लोग, देखो मांस खींचना बहुत जरूरी है, ठीक है,
उसके बाद बंदे को ऊपर बोलेंगे ऊपर कर लो, ठीक है, उसके बाद हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। देखो अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें। अब देखो जो साइड पे बाल है हमारे, हम क्या करेंगे, सीजर लेना है, ठीक है, नीचे सपोर्ट लगा लेना, सपोर्ट लगा के फालतू बाल ऐसे काट देने हमने। ठीक है, उसके बाद जो साइड पे हल्के हल्के बाल होंगे उसको भी आपने ऐसे निकाल देना। ये वाली हम लोगों ने तीखी रखनी है, ठीक है, भाई की डिमांड है, भाई तीखा रखना, हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का नॉर्मल, ठीक है। देखो वहां पर आगे हम लोग, वहां पर हम लोगों ने गुलाई देनी होती है, बड़े ध्यान देनी है, आस बंदे को बोलेंगे अंदर से जीभ लगा लो भाई, जीभ लगाना अंदर से। देखो ऐसे बंदे ने जीभ लगा लिया, ठीक है, आपको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगा के हल्के हल्के बाल, देखो हर एक बंदे का अलग अलग हिसाब होता है करने का, हमारा अलग है, किसी और का अलग होगा, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इजी तरीका बता रहा हूँ, कई बंदे यहां से भी पहले, देखो बहुत तरीके हैं यार करने के, यहां से ऐसे करो जो वहां पर बाल होंगे वो सारे निकल जाएंगे, देखो, ठीक है। उसके बाद इस वाली साइड पे भी हम लोगों ने गैस ऐसे ही करना था, देखा, ठीक है, गुलाई आपने ऐसे घुमानी है, देख लो, एक एक बाल निकाल देना, वो गुलाई हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज यार लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको अच्छी अच्छी वीडियो मैं देता रहूंगा, ठीक है। उसके बाद इस वाली मुझ पे भी आपने ऐसे करना, देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, हल्का हल्का साइड पे लगाना होता है, जी वाली चीज है पहले इस वाली साइड पे खड़ के आपने ऐसे को ऐसे क्लियर करनी होती है, देखो, ठीक है। अब जाएंगे उस वाले साइड पे, अब देखो इस वाले साइड पे भी हम लोग ने ऐसे करना है, ठीक है, खत पतला नहीं करना, दोनों साइड पे एक सेम रखना है, ठीक है। ये वाली चीज होगी, दोनों साइड पे मिला लेना, ठीक है, उसके बाद जाके आपने एल बनानी है, हल्का हल्का साइड पे लगा देंगे, ठीक है, अच्छी तरह से यहां से बाल उठा देंगे पहले, ठीक है, यहां पर बाल होते हैं हल्के हल्के, लोग उसको ऐसे उठा देंगे, ठीक है। अब देखो दोनों साइड पे मिलाने के बाद उसके बाद आपने फिर सेट करना है, ठीक है। देखो ये वाली ऊंची है हमारी, हम क्या करेंगे, पहले हल्का हल्का इसको और डाउन करेंगे, ठीक है ना। और देखो हल्का हल्का हम लोग कहां से निकालेंगे, देखो ये वाले साइड पे बाल होंगे ना खत पे, देखो साइड पे करके आपने ऐसे झाड़ देना, ठीक है, हल्का आप छोटा भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा बालों के नीचे उसको ऐसे निकाल दो, ठीक है। हल्के लिए गैस हम लोग मुझ सेट करेंगे, ठीक है, देखो मैं यहां पर ऐसे कंघा लगाऊंगा, हल्का टेपर में रखूंगा, ठीक है, जो ऊपर बाल होंगे हल्के हल्के, जो खड़े होंगे बाल उसको एक्स्ट्रा काट देने, साइड पे आपने ऐसे निकाल देने बाल फालतू, ठीक है, फालतू वाला आपने ऐसे निकाला, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा आपने लगाना, नोज पे नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, कंघा आपका, ठीक है। अब हम हल्का हल्का ट्रिम लगा देंगे, अब अगर देखो मैंने दो नंबर लगा दिए टैकैप, ठीक है, मैं करूंगा हल्का हल्का इसको छोटा करूंगा, आप अपना हिसाब से करना, अपने हिसाब से, ठीक है, जैसे भी आपका कस्टमर बोलेगा। देखो हल्का मैं बड़ा रखूंगा, हाँ से पहले मैं इतना छोड़ना पड़ता है हमारे को इसको, क्योंकि अगर इसको छोड़ेंगे नहीं तो भाई जेवल चीज बहुत बेकार लगेगी आपकी, ठीक है, इसको हल्का सा वहां रखना, क्योंकि इसको कैंची के साथ हमने मिक्स करना होता है, ठीक है। और इस वाले साइड पे भी हम लोग ऐसे करेंगे, ये गाइस जीवल जो चाहिए ना हल्की हल्की हम इसके साथ मैच करेंगे। देखो कंघा मेरे पास, ठीक है, सीजे लेना आप, इस वाली साइड पे उठा के रखना आपने, तभी मैच होगी आपकी।
जो बाल खड़े होंगे उसको आपने ऐसे निकालना, ठीक है। जबली हम लोगों ने ऐसे वी रखनी, हल्की सी रखनी, जिनकी ज्यादा तीखी नहीं रखनी, ठीक है। और इस वाली साइड पे भी हम लोगों ने ऐसे ही करना है, ठीक है। जैसे मैंने इस साइड में आपको बताया ना, इस साइड में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। जो एक्स्ट्रा नीचे बाल होंगे हम लोग उसको ऐसे निकालते हैं, ठीक है। इसको साथ में ऐसे मिलाना है, मान लो अगर आपने इसको छोटा करना है, रहेगी भी ठीक है, हल्का इसको छोटा करना है, कैसे करेंगे देखो, ऐसे कंघी को पूरा आपने ऐसे फोल्ड सा कर लेना, देखो ठीक है, ऐसे लगा करके वहां से स्टार्ट करो, वहां से आपने ऐसे निकालना, देखो ये तो हो गया हमारा, देखो छोटे हो गए ना बाल हमारे, ऐसे गैस हमारे को कुछ करना होता, देखो लो जी गैस, आप देख सकते हो ऐसे कुछ हमारे को दाढ़ी सेटिंग करना होता है, वहां पर हमारे को गुलाई में रखना होता है, उसके बाद आप देख सकते हो, आपको मैंने बताई दिया वीडियो गैस आपको कैसी लगी यार, प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको अच्छी अच्छी अपडेट इस चैनल पर मिलती रहेगी। दिमाग में पड़ा है तो भाई ज्यादा समय मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगली वीडियो फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।